हाँ सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा ये है कि हम आज 8 दिन हो गए एलिवेटन यार्ड के आगे आजाद सिंह जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के साथ में बैठने के लिए हम सदर SSO के साथ में 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, बाड़मेर CO आनंद सिंह जी के साथ में 1 बार मीटिंग कर चुके हैं। बार बार मीटिंग में आजाद सिंह के असफल होने के कारण ना तो हमारे को कोई जवाब मिल रहा है, ना हमारा भुगतान हो रहा है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि मैंने तो ये भी कह दिया आजाद सिंह जी को, मैंने कहा भाई आपके परिवार के सदस्य किसी को हमारे साथ में बिठा दो, मेरा पैसा निकलता है तो हमें दो, नहीं निकलता है तो हम घर जाने के लिए तैयार हैं। मेरा कोई तुक्के के पैसे नहीं है, हमारे ऑफिशियल पैसे हैं। एक मेरा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर मेरा भाई कैलाश मालू, उसके पैसे हैं, तो हमारे ऑफिशियल पैसे हैं। हमने सरकार में टैक्स भर के हमारे इक्विपमेंट लगा के उसके पैसे हम मांग रहे हैं, वे देने के लिए तैयार नहीं। तो सर, उनका आरोप ये है कि आपने कोई ऐसा टिप्पणी की थी और लगातार आपके खिलाफ विज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये आजाद सिंह जी एक राजनीतिक कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे कोई राजनीतिक से कोई ताल्लुकात है। ज्ञापन दे रहे हैं उन भाइयों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजाद सिंह जी कलेक्टर के अंदर हमारे साथ में मीटिंग करते हैं और उन भाइयों को ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन देने के लिए भेजते हैं, ये उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। और यदि अभद्र भाषा का मैंने व्यवहार किया है तो हमारा व्यवहार बाकी है, इसलिए आवेश में आके मैंने कोई अभद्र भाषा बोली है तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि वो मैंने सही किया है, लेकिन मेरा व्यवहार बाकी है तो इसलिए मेरा भुगतान करे, अन्यथा हम यहाँ से 2 दिन के बाद में बाड़मेर DM साहब से परमिशन लेके 2000 लोगों की भीड़ के साथ में धरना प्रदर्शन कलेक्टर के आगे करेंगे। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि हमारा प्रशासन, हमारा DM, हमारे SP साहब हमारी वार्ता सुने, और यदि नहीं सुनी तो हम अनुमति के आधार पर बाड़मेर के अंदर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सर, कितना भुगतान है जो बकाया है? मेरा ब्याज सहित 1,88,00,000 रुपए है और मेरे भाई कैलाश मालू के बिना ब्याज के 2,05,00,000 रुपए है। ये हमने DM साहब को लिख के दिया, SP साहब को लिख के दिया और हमारे एक नंबर के पैसे। क्या इन सब पैसों के दस्तावेज सबूत हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का कहना है कि आजाद सिंह ने हमारे से भुगतान ले लिया है और हमारे अंदर बकाया नहीं है। यदि हमारे अंदर बकाया है तो आजाद सिंह जी को हमारे सामने बिठा दो, हम पैसे देने के लिए तैयार। अच्छा, आजाद सिंह का सर ये आरोप है कि वो हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए पीछे कोई, आपके पीछे कोई बड़े नेता का हाथ, इसलिए ये सब कर रहे हैं, क्या इसमें क्या सच्चाई है? राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, ना आजाद सिंह की छवि को मैं धूमिल करना चाहता हूँ। आजाद सिंह जी अच्छे हैं, अच्छे रहे, लेकिन जो ये हमारे पैसे है, हमारे लोगों के पैसे है, हमारे पैसे है, ये पैसे दे दे, मुझे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं राजनीति कर सकता हूँ, ना मैं उस लेवल का आदमी हूँ कि आजाद सिंह की छवि को खराब कर सकूँ। यदि किसी नेता का नाम लेते हैं तो ये गलत है। अच्छा, क्या अगर पैसे समय पर आप लोगों का कह रहे हैं नहीं मिलते हैं तो फिर क्या अगला कदम? नहीं मिलते हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, जब तक हमारा भुगतान नहीं होता तो जारी रहेगा। यदि हमारे सबूतों सहित SP साहब से मेरा निवेदन है कि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मुकदमा दर्ज करे और उसको गिरफ्तार करे तो हम धरना प्रदर्शन हटाने के लिए तैयार हैं। धरनों की कारण जुड़ बात, धरनों तो कभी दिन है कि आजाद सिंह हमें पैसा मजदूरी दी दी कौन बीजो मजदूर जो ये काम करे, मोहरी सीमा है, मोहरी काम है, ये महीनों मोहरा मजदूर लागे, मोहरे गाड़े लागे, मोहरा ड्राइवर, मोहरा मजदूर या कारीगर ये लागे। ये हारो मैं जो कहूँ, एक तो मोहरो पेमेंट बाकी को दे, बीजा मजदूर भाई बार ला लगान को दे, मोहरा लागे कंपनी जो काम करे, इतनी मोहरे एरिया मोहरी जो जमी है ये रोन मोहरो हक बने, अरे मोहरो व्यवहार दे, अरे बीजा मैं लागण दे को नहीं, जेड़ा तक फैसलो नहीं करे जेड़ा तक धरनो जारी रहे। अच्छा, हैंग बा लोग आयोड़ा खेत रहा, लोग हैंग थोड़ा गौरा है की मांग करे हैं? ये तो मोर गौरा है। हां, की कह रहा है लोग हैं? ए है इस बोंग हैंगरी, ए इस बोंग है, कहीं ना नौकरी दो या मारा कर, ए इस बोंग है भाई, नौकरी मोनो दियो, हमारा को हमरा मजदूर है, मोनो लगाओ, मोरी गाड़ी लगाओ, ए हैंगरी रहा, ए जे
एमए हैं एक एक को हम रह जाओ।